वेलकम बैक टू माय चैनल जीतू एंड फैमिली ब्लॉग्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले पूरी। हमें चाहिए बॉयल चने, दो मीडियम उबले आलू, टमाटो एंड टू डाइस अनियन लिए हैं। साथ में मैंने इमली का पानी छान के दो चम्मच लिया है। मैंने लिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, हींग, साबुत धनिया जीरा, बड़ी इलायची, दो बे लीव्स। अब गैस मैंने ऑन कर दिया है और एक पतीला मैंने ऊपर रख दिया है स्टील का, और ऑलिव ऑयल डाला है और उसके अंदर दो बे लीव्स और साबुत धनिया, और मैंने जीरा भी डाल दिया है, और एक पिंच जो मैंने रखा था हींग का वो भी डाल दिया है। उसके साथ ही मैंने गार्लिक डाल दिया है और जिंजर डाल दिया है, हरी मिर्च डाल दी है, और जस्ट एक मिनट के बाद ही मैंने रेड अनियन भी डाल दिए हैं ताकि गार्लिक और जिंजर ओवर कुक ना हो। अब इसे मैं थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी। अब मसाला थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गया है और मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं, हल्दी, गरम मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च रंग के लिए, नमक डाला है, और इन सबको मैंने मिक्स कर दिया है। मैं डालने जा रही हूँ चॉप टमाटो एंड मिक्स करूँगी अच्छे से ताकि सारा मसाला इसमें अब्सॉर्ब हो जाए। जितनी देर में मसाला रेडी होता है उतनी देर में पूरियों के लिए आटा गूंद लेती हूँ मैं। सब मैंने बेकिंग पाउडर डाला है और हल्का सा मैंने नमक डाला है और अजवाइन डाली है। आटे में मैंने 1.5 चम्मच ऑलिव ऑयल डाला है ताकि आटा सॉफ्ट हो और पूरियां अच्छी बने। अब इस आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ क्योंकि ऑयल डाला है इसमें। उसके बाद मैंने नॉर्मल पानी से इसको आटे को गूंद रही हूँ। आटा सख्त रखना पड़ता है ताकि पूरियां अच्छे से हों और अच्छे से फूलें और फ्लफी बने, खाने को अच्छी लगें। आटा गूंदते साइड में मैंने थोड़ा हाथ साफ करके मैंने मसाला चेक किया है जो हम छोले के लिए बना रहे हैं ताकि जल ना जाए। अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा पीस रही हूँ ताकि पेस्ट सा बन जाए, और इसमें चने डाल रही हूँ क्योंकि मसाला रेडी है, और साथ में मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, काफ़ी जमी बनेंगे आज के छोले पूरी। अब सारा मिक्स होता है, अब मैं इसमें बॉयल्ड जो पोटैटो है वो डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि सारा मसाला पोटैटोज को भी लग जाए। ये एक छोटा सा टिप, 1 चम्मच मैंने बॉयल किया था आमले का पाउडर, और ये है सीक्रेट इस रेसिपी का, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चना मसाला डालेंगे, स्पाइस, और जो बचा हुआ पानी था जिसमें हमने चने बॉयल किए थे वो भी मिक्स कर दिए हमने, और अच्छे से मिक्स कर देंगे।
अब गाइस हम आटे को दोबारा से नीट कर लेंगे, अच्छी तरह से गूंद लेंगे। अब आटा देखिए रेडी है, तैयार है, और थोड़ा सा ऑयल लगाया मैंने ऊपर इसके ऊपर ताकि ड्राई ना हो। अब आप देख सकते हो छोले बनकर रेडी हैं। अब बारी है पूरियों की। तेल हमने ऑलरेडी रखा है, छोटा सा आटे का पीस डाल के देख लिया है कि तेल रेडी है पूरियों के लिए। अब चलते हैं बेलते हैं पूरियां। तेल के साथ ही पूरियां बेलेंगे ताकि सूखा आटा तेल में ना जाए। तो अगर ऐसा आटे के साथ बेलते हैं तो सारा आटा तेल में चला जाता है, तो सारा तेल ख़राब हो जाता है। तो देखिए पूरियां बन रही हैं, कितनी टेस्टी। ये पहली पूरी है, ऐसे हम बहुत सारी पूरियां इकट्ठी करके बना लेंगे।